नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल विकी इंडिया में। दोस्तों, नवरात्रि 9 दिन चलने वाला पर्व हिंदुओं का पवित्र व विशेष पर्व है। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश या घट की स्थापना का विशेष महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करने का विधान है, इसलिए नवरात्रि में प्रथम दिन कलश के रूप में गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। मिट्टी का एक पात्र, गेहूं का ज्वार, जौ, शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, शुद्ध जल से भरा हुआ कलश, कलावा, साबुत सुपारी, कलश में रखने के लिए सिक्के, आम के पत्ते, गंगा जल, चावल, एक पानी वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूलों से बनी हुई माला। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कलश स्थापना विधि। मिट्टी का पात्र लें, उसमें मिट्टी डालें और जौ के बीज मिट्टी में डालें और फिर मिट्टी में थोड़ा पानी डाल दें। अब कलश लें, उसके मुंह पर मौली बांध दें और कलश को शुद्ध जल से भर दें और कलश में गंगा जल, साबुत सुपारी और सिक्के डाल दीजिए और कलश के मुंह पर 5 पत्ते रख कर बंद कर दें और एक मिट्टी का ढक्कन रख दें। उस पर चावल डालें और फिर नारियल लें, उस पर तिलक करें और नारियल को कलश के ऊपर रख दें और कलश को उस मिट्टी के पात्र में रख दें जिससे जो स्थापित किए थे। अब कलश को माँ दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ रख दें और धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर रखें। माता व कलश को फूल माला चढ़ाएं और माँ से प्रार्थना करें कि माँ 9 दिन आपके घर पधारें और हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें। आइए जानते हैं कि अब 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा करने की विधि क्या है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा करने का विधान होता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ की मूर्ति के आगे दीपक अगरबत्ती जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं और ओम श्याम श्रीम शुम शैलपुत्रेह नमः इस मंत्र का जाप कर ध्यान करें। फिर दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा अर्चना करें और ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचार्य नमः इस मंत्र का जाप कर माँ दुर्गा का ध्यान करें। फिर तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा माँ की पूजा अर्चना करें और ओम ह्रीम क्लीम श्रीम चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का जाप कर ध्यान करें। फिर चतुर्थ दिन माँ कूष्मांडा की पूजा अर्चना करें और ओम ह्रीम कूष्मांडाय यज्ञ प्रसूताय नमः इस मंत्र का जाप करें और माँ दुर्गा का ध्यान करें। पंचम दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करें और ओम ह्रीम सा स्कंद मात्राय नमः इस मंत्र का जाप कर माँ दुर्गा का ध्यान करें। फिर षष्ठ दिन माँ कात्यधानी की पूजा अर्चना करें और ह्रीम श्रीम कात्यायन नमः इस मंत्र का जाप कर माँ का ध्यान करें। फिर सप्तम दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करें और ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः इस मंत्र का जाप कर माँ का ध्यान करें। फिर अष्टम दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करें और ओम ह्रीं श्रीं ग्लै गम गौरी गीम नमः इस मंत्र का जाप कर माँ का ध्यान करें। फिर नवम दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा अर्चना करें और ओम ह्रीं श्रीं सिद्धात्रे नमः इस मंत्र का जाप कर माँ का ध्यान करें। आइए अब जानते हैं कि माँ दुर्गा की 9वें दिन पूजा विधि क्या है। माँ सिद्धदात्री की पूजा के बाद माँ को प्रसाद चढ़ाएं और जो भोजन बनाया हो वो चढ़ाएं। फिर वो भोजन कन्याओं को खिलाएं।
फिर कलश पर रखे नारियल को फोड़कर प्रसाद के रूप में खा लें और कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क दें। सिक्के निकालकर अपने पास रख लें और माँ दुर्गा की मूर्ति किसी तालाब में विसर्जित कर दें। घर पर रखे चावल पक्षियों को डाल दें और फिर माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वो फिर आपके यहाँ पधारे और आप पर सदा ही कृपा बनाए रखें। जय माता दी दोस्तों, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल विक्की इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।